हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लारावेल में दोस्तों पीडीएफ जो होता है मल्टीपल पीडीएफ दोस्तों उसको मर्ज करके एक पीडीएफ में कैसे करते हैं वो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया पैकेज लेकर के आया हूँ और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ये जो पैकेज है इसको हम यूज़ करके जो लारावेल में पीडीएफ होता है अलग अलग उसको एक पीडीएफ में कैसे मर्ज कर सकते हैं, तो वो दोस्तों बेसिकली कैसे होता है वो चीज़ इस वीडियो में हम सीखने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, मेरे पास दोस्तों यहाँ पे लारावेल 9 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने फ्रेश क्लोन करके रखा हुआ है। तो ये जो पैकेज है दोस्तों ये हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आपको सेटअप करना पड़ेगा तो वो चीज़ मैं यहाँ पे सिंपली कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं टर्मिनल ओपन किया और ये मेरा पैकेज, यहाँ पे सिंपली मैं ये जो पैकेज है लारावेल 9 के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये जो मेरा ये जो पैकेज है ये यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ लारावेल 9 के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों ये पैकेज इंस्टॉल होने में अभी जो पूरा है सिस्टम टाइम लगेगा, तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली इसको मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद दोस्तों ये जो पूरा सेटअप है वन बाय वन करता हूँ। तो ये जो सेटअप है दोस्तों यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल आपको ओपन करनी है, उसके अंदर पूरा सेटअप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर ऐप डॉट पी एच पी, उसके अंदर हमारा एलियास और प्रोवाइडर दोनों चीज़ होंगी और प्रोवाइडर के अंदर ये चीज़ रखना है और एलियास के अंदर पीडीएफ मर्जर ये जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको रखनी है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे काम करना है आपको, एक कंट्रोलर बनाना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो ये कंट्रोलर पी एच पी आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर और यहाँ पे दोस्तों पी डी एफ कंट्रोलर ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पे मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा कंट्रोलर है वो दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे शायद ये जो कंट्रोलर क्रिएट हुआ है कहीं मुझे लग रहा है कि पी एच पी आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर और यहाँ पे दोस्तों पी डी एफ कंट्रोलर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है शायद। ये मैं सब लैम्प क्लोज करके वापस ओपन करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे जो मेरा कंट्रोलर है वो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, पीडीएफ कंट्रोलर आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पे राउट्स के अंदर वेब डॉट पीएचपी के अंदर दो राउट बनाने हैं हमको। तो यहाँ पे दोस्तों राउट कॉलन कॉलन गेट और यहाँ पे दोस्तों मर्ज पीडीएफ पीडीएफ और यहाँ पे दोस्तों अपना पीडीएफ कंट्रोलर यहाँ पे जैसे बना है जो क्लास का नेम वो यहाँ पे देना है। सिंपली सिंपली यहाँ पे दोस्तों क्लास करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स मेथड अपना, ये जो मेथड है दोस्तों वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर पोस्ट करता हूँ मर्ज पीडीएफ ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों जो है स्टोर ऐसा कुछ यहाँ पे करता हूँ और इसके बाद दोस्तों इसका राउट का जो नेम है वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मर्ज पीडीएफ पोस्ट। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे राउट बनाने हैं। पीडीएफ कंट्रोलर यहाँ पे आया है, पीडीएफ कंट्रोलर जो है उसको हम यहाँ पे पहले नेम स्पेस लेके करना पड़ेगा क्योंकि लारावेल 9 में ये चीज़ रिक्वायर्ड होता है। तो नेम स्पेस देते हैं यहाँ पे कॉल करके अपना पीडीएफ कंट्रोलर। तो ये चीज़ हमारी दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ कंट्रोलर जो है उसके अंदर हमको दो फंक्शंस बनाने हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं फंक्शंस। और पहला इंडेक्स फंक्शंस, इंडेक्स फंक्शंस और यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो फंक्शन है वो हमारा होगा स्टोर। तो ये जो दोनों फंक्शन है दोस्तों यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिए हैं। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है रिटर्न व्यू कर रहा हूँ मैं, सिंपली रिटर्न व्यू और यहाँ पे दोस्तों मर्ज पीडीएफ ऐसा कुछ यहाँ पे दोस्तों मैं बना रहा हूँ। और ये जो अपना जो ब्लेड फाइल है रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर बनाना पड़ेगा आपको मर्ज पी डी एफ डॉट ब्लैड डॉट पी एच पी। तो ये मेरा फाइल यहाँ पे बन चुका है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे काम करता हूँ, ये जो पी डी एफ फाइल हमारा ब्लेड फाइल बना है ठीक है उसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप जो है वो यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों बूटस्ट्रैप 4 या 5 ऐसा कुछ यहाँ पे सी डी एन जो है दोस्तों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ उसका। देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 जो है उसका मैं पूरा रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ। उसका लेआउट है दोस्तों यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, सिंपली कॉपी किया और रख दिया। और यहाँ पे दोस्तों लारावेल 9 मर्ज मल्टीपल पीडीएफ फाइल ट्यूटोरियल ठीक है। तो ये चीज़ हो गई।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो मैं हटा रहा हूँ। पहले दोस्तों यहाँ पे अगर एरर्स आता है तो वो चीज़ मैं यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ, काउंट्स, और यहाँ पे मेरा एरर्स नाम का वेरिएबल, ठीक है, और एंड इफ, तो ये चीज़ हो गई डी आई वी। क्लास जो है अलर्ट अलर्ट डेंजर वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर यहाँ पे दोस्तों मैं मैसेज जो है वो लिख रहा हूँ सॉरी, और मैसेज है दोस्तों ऐसा कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग टैग के बाहर दोस्तों यहाँ पे देयर वेयर मोर प्रॉब्लम विथ योर HTML इनपुट, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जो है ब्रेक कर रहा हूँ मैं लाइन, तो BR टैग दो बार दे रहा हूँ, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, UL लेना है, क्योंकि एरर्स वगैरह जो आएगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो फॉरिच लूप और एरर्स नाम का हमारा वेरिएबल, उसके अंदर ऑल नाम का हमारा वर्ड, और यहाँ पे दोस्तों एरर वापस एक बार रिपीट करता हूँ एंड फॉरिच, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे li, और ये हमारा एरर वेरिएबल जो है हमने यहाँ पे फॉरिच लूप में दिया था वो यहाँ पे बीच में सेटअप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है हमारा अपना सेटअप है वो यहाँ पे दोस्तों हो चुका है। इसको मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ से क्योंकि ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं H3 टैग ले रहा हूँ, उसके अंदर जो पूरा मैसेज है यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास जो है वेल, ठीक है, और यहाँ पे लारावेल मर्ज, सिंपली दोस्तों ये जो मैसेज है वो ही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वापस। तो ये मैसेज दोस्तों यहाँ पे मेरा हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्म टैग मेथड जो होगा दोस्तों हमारा पोस्ट, और पोस्ट के बाद यहाँ पे एक्शन, एक्शंस के अंदर दोस्तों यहाँ पे राउट हमने यहाँ पे बनाया था पोस्ट मेथड में, मर्ज PDF पोस्ट, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लेनी है। ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म -फॉर्म डेटा, तो ये चीज़ अगर आप फाइल सेंड करना चाहते हो तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है @CSRF टोकन जो है वो आपको देना पड़ेगा, इनपुट है दोस्तों यहाँ पे फाइल फाइल नेम्स ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल जो फाइल होगी वो यहाँ पे आएगी, MyFRM ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पे मैं फॉर्म कंट्रोल ओके क्लास, और यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल कीवर्ड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बटन जो होगा सबमिट का टाइप इक्वल टू सबमिट, और क्लास है दोस्तों यहाँ पे BTN BTN सक्सेस MT5 कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, और स्टाइल मेरा जो है सबमिट बटन का नेम। सिंपली दोस्तों एक बार इसको मैं लोड करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ये जो डिज़ाइन कुछ कैसे हुआ है, हमको भी पता चले। राउट का मैंने स्पेलिंग जो है दोस्तों यहाँ पे गलत लिख दिया, देखिए ऐसा कुछ डिज़ाइन हुआ है दोस्तों। यहाँ पे काम करते हैं, ये जो डिज़ाइन हुआ है दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर DIV के अंदर पूरा जो है ले लेते हैं कंटेनर के अंदर सारा कुछ तो सही हो जाएगा। क्लास कंटेनर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है फॉर्म, और इसको मैं आगे करता हूँ एक स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो PDF का है वो यहाँ पे आ चुका है, MT5 कर दे रहा हूँ वापस, थोड़ा नीचे आ जाएगा देखिए। तो ये जो है दोस्तों हमारा PDF सिलेक्ट करने का यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास जो है PDF यहाँ पे अपलोड करनी होगी, उसके बाद ये जो है मर्ज होगा, तो वो चीज़ मर्ज कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ, और सारा कुछ कोडिंग है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो सारा कुछ है वो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है यूज़ करके आपको करना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे PDF यूज़ के लिए, PDF मर्जर, और स्टोर के लिए दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है, और रिक्वेस्ट वेरिएबल डॉलर दिस वैलिडेट रिक्वेस्ट हमारा वेरिएबल वो यहाँ पे आपको देना है। इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे जो है फाइल नेम्स
यहाँ पे जो हमने इनपुट दिया था फाइल नेम्स का वो आपको यहाँ पे देना है, और मैं इसको रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों फाइल डॉट स्टार कर रहा हूँ ताकि एरे जो है वो भी यहाँ पे चेक कर पाए। तो मैम्स जो होगा दोस्तों यहाँ पे PDF, ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी, और ये हमारा वैलिडेशन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। प्रॉपरली सबमिट किया दोस्तों यहाँ पे देखिए। और दोस्तों अगर मैं किसी और जो फाइल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं PDF PNG फाइल सिलेक्ट किया तो वो भी मुझे दिखा रहा है कि मतलब गलत है वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दोस्तों हमारा वैलिडेशन जो है यहाँ पे काम कर रहा है। इफ कंडीशन लगा रहा हूँ वापस में यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है, और रिक्वेस्ट के बाद दोस्तों यहाँ पे हैज फाइल करना पड़ेगा क्योंकि फाइल जो है वो यहाँ पे आ रही है। फाइल नेम्स इसके अंदर दोस्तों PDF इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं PDF मर्जर, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है तो वो चीज़ हम यहाँ पे लेते हैं। PDF मर्जर इनिट, वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लूप चला रहा हूँ फॉरिच लूप, और फॉरिच लूप के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो चीज़ हमको यहाँ पे देनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट और फाइल फाइल नेम्स एज डॉलर की, और यहाँ पे दोस्तों डॉलर वैल्यू, ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। डॉलर PDF एड PDF, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा फंक्शन है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, एड PDF। और यहाँ पे जो है दोस्तों PDF का पाथ वगैरह सब कुछ आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों मैं वैल्यू वेरिएबल और उसके अंदर गेट पाथ नेम वो चीज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑल जो है वो मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारा कुछ आपका PDF वगैरह सब कुछ है दोस्तों, ऐसा कुछ आपको सेटअप करना है, अपना पाथ देना है, उसके बाद ऑल करना है। तो ये सारी कुछ दोस्तों यहाँ पे मैंने चीज़ें की, ऑल हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे दिया गया है वैसे हमको करना है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे फाइल नेम जो है अलग देना पड़ेगा। फाइल नेम इक्वल टू टाइम फंक्शन दोस्तों यहाँ पे डॉट PDF, वो चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी, टाइम मतलब नया नाम आ गया, PDF है दोस्तों यहाँ पे मर्ज होगा तो PDF मर्ज यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी दिया गया है तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। PDF वेरिएबल वापस यहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे PDF वेरिएबल और इसके अंदर सेव करके हमारा जो फंक्शंस हमारा जो फाइल है पब्लिक अंडरस्कोर पाथ के अंदर हमारा ये फाइल नेम, तो ये जो हमारा फाइल है दोस्तों यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है रिटर्न रिस्पॉन्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। रिटर्न रिस्पॉन्स डाउनलोड, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों पब्लिक अंडरस्कोर पाथ और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे फाइल नेम जो है वो चीज यहाँ पे बीच में आएगी, फाइल नेम और ये ओवर। तो यहाँ पे दोस्तों जो PDF है यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड कर लेते हैं, PDF है दोस्तों यहाँ पे कुछ मिल जाएगी, एक दो PDF अगर मिल जाती है तो यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री PDF करता हूँ। देखिए तो ये जो PDF है दोस्तों यहाँ पे मुझे मिली है, और इसका जो पेजेस वगैरह देख लेते हैं कितना पेजेस है, मतलब काफ़ी सारे पेजेस है, तो इसको एक काम करते हैं एक दो पेजेस का जो PDF होगा वो ले लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो दोनों PDF है वो मैं ओपन करके देख लेता हूँ एक बार, मतलब छोटी है बड़ी PDF होगी तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मर्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे उसका दोस्तों जो है डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ है, तो वो चीज़ यहाँ पे टूल्स भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वो चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। PDF डाउनलोड फ्री बुक्स ऐसा कुछ करता हूँ, छोटे PDF मिल जाएगी दोस्तों तो मतलब इजी से हमारा जो होगा वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रेट, बहुत ही बड़ी PDF आ रही है। एक काम करते हैं दोस्तों, मेरे पास जो एक दो PDF शायद है तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। PDF है दोस्तों शायद मेरे पास जो है
ये पीडीएफ, और दोस्तों मेरे पास दूसरा पीडीएफ है दोस्तों, ये इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ सिंपली, और मैं दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो है वो उसको मैं मूव कर दिया, और सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो है एक बार रन करके देखते हैं ब्राउजर में। मैंने क्लोज कर दिया लारावेल 9, और हमारा मर्ज पीडीएफ यहाँ पे दोस्तों मैंने सिंपली सिलेक्ट किया दोनों पीडीएफ डेस्कटॉप पे, ठीक है। दोनों में आपको यहाँ पे दोस्तों ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। एक पीडीएफ में दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है, और दूसरा जो पीडीएफ है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, यहाँ पे टैक्स है। तो दोनों पीडीएफ जो है दोस्तों उसको मर्ज करके एक पीडीएफ में करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों पीडीएफ है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप पे दोनों पीडीएफ, और सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे और सबमिट किया। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड भी हो चुकी है पीडीएफ। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं रन करके आगे, मानो कि दोस्तों ये पहले टैक्स आया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं एक पेज जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, और ये जो पीडीएफ है दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ जो है अपना पीडीएफ वगैरह आपको मर्ज करना है वो से कुछ मर्ज हो जाएगी। अगर दोस्तों आप बड़ी पीडीएफ लेते हैं वो भी आपको शायद मर्ज करके दे देगा। मैं आपको यहाँ पे बड़ी पीडीएफ होगा वो भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पीडीएफ अगर दोस्तों है वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। मानो कि दोस्तों ये पीडीएफ है, और यहाँ पे दोस्तों इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे 44 पेजेस की पीडीएफ है। ईमेल मांग रहा है तो ईमेल जो है वो यहाँ से मैं दे रहा हूँ, ईमेल फैक्स है, कॉपी किया सिंपली और ईमेल फैक्स यहाँ पे दिया, आई वॉन्ट फ्री पीडीएफ। और शायद यहाँ पे दोस्तों अमाउंट है वो यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं ईमेल जो होगा पे आ चुका है, और डाउनलोड है दोस्तों यहाँ से शायद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अकाउंट एक्टिव करना कह रहा है, यहाँ पे दोस्तों जो पीडीएफ है शायद डाउनलोड होने में मुझे लग रहा है कि मतलब पेडिंग पेड जो है वो कंटेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, देखिए पीडीएफ, और यहाँ पे है दोस्तों डोनेट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पीडीएफ है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पीडीएफ है 69 पेजेस की है, ठीक है। तो ये नई पीडीएफ ली मैंने, और दोस्तों यहाँ पे हमारी एक पीडीएफ थी उसको मैं मर्ज कर रहा हूँ। ये जो हमारी पीडीएफ है दोस्तों यहाँ पे मैं वापस एक बार इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, और ए हमने डाउनलोड की वो पीडीएफ 69 पेजेस, और ए हमारी पीडीएफ थी 4 पेजेस वाली। दोनों को मर्ज करते हैं दोस्तों यहाँ पे, वापस एक बार ट्राई करके देखते हैं। सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे हमने डाउनलोड की वो पीडीएफ और चेक पॉइंट ऐप वाली, दोनों को ओपन किया मैंने और सबमिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 पेजेस जो होगा हमारा पहली वाली पीडीएफ वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पीडीएफ है तीसरी वाली, मतलब हमने जो अभी डाउनलोड की थी 69 पेजेस वाली और 4 पेजेस इसके, मतलब कुल कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे 73 पेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे जो है पीडीएफ मर्ज हो रहा है, और दोस्तों मैं इसका जो पैकेज है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा उसकी। तो फिलहाल दोस्तों ये जो मैंने आपको दिखाया है ऐसे कुछ आप पीडीएफ में मर्ज कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और मुझे कमेंट कीजिए, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।